नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं bollywoodcalendar.com। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक नए सेगमेंट में जिसका नाम है अनसुनी बातें, जहां हम आपसे शेयर करेंगे बॉलीवुड के उन किस्सों को जिसके बारे में शायद ही किसी ने कभी सुना है। बॉलीवुड हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, इसीलिए बॉलीवुड की फिल्मों के साथ हम अपनी जिंदगी को आसानी से रिलेट कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं बॉलीवुड की ऐसी अनसुनी बातें। कैसा हो अगर आपको ये बोला जाए कि भाई आपको एक फिल्म का डायलॉग बोलना है लेकिन आपके पास डायलॉग्स नहीं है, है ना अजीब सी सिचुएशन। ऐसी ही सिचुएशन इम्तियाज अली ने फिल्म तमाशा के लिए रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को दी, जहां दीपिका पादुकोण के पीछे रणबीर जाते हैं, उन्हें मनाते हैं कि तुम मेरे से बात क्यों नहीं करना चाहती। तो दीपिका बोलते हैं कि अगर मैंने तेरे से 2 मिनट भी बात करी तो मुझे तुझसे प्यार हो जाएगा। तुम ये तमाशा बंद करो प्लीज। तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो क्या नैना, मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। फिल्म कभी खुशी कभी गम में असिस्टेंट डायरेक्टर की एक छोटी सी गलती ऋतिक रोशन के लिए एक फैशन मॉडल बन गई। ऋतिक रोशन ने कभी खुशी कभी गम में जो टी शर्ट्स पहनी थी वो एक साइज छोटी थी, जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर की गलती की वजह से आई थी, लेकिन वो टी शर्ट उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी बाकी टी शर्ट्स को भी एक साइज छोटा कराया और पूरी फिल्म के दौरान एक साइज छोटी टी शर्ट पहनी। फिल्म मेकिंग में प्रॉपर्टीज़ का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ का कोई इतना ख्याल रख सकता है उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल होता है। जिस फिल्म से ऋतिक रोशन ने डेब्यू किया था, कहो ना प्यार है से, उस फिल्म में जो उन्होंने चश्मे का इस्तेमाल किया था, उसी चश्मे का इस्तेमाल अपनी फिल्म कोई मिल गया में भी किया था। फिल्मों में एक्शन करना कितना मुश्किल हो सकता है उसका अंदाजा आप इस सीन से लगा ही सकते हैं। फिल्म धूम में जॉन अब्राहम ने अपने सारे स्टंट्स खुद परफॉर्म किए थे। आशुतोष गोवारिकर और आमिर खान की फिल्म लगान, जो एडिटिंग के बाद 7 घंटे की बनी थी, वो आमिर खान को इतनी पसंद आई थी कि वो उसमें से कुछ भी नहीं कट करना चाहते थे। जस्ट बिकॉज कि मूवी 7 घंटे की हो गई थी तो उन्होंने उसे दोबारा एडिट करा और उसे 2.5 घंटे का बनाया। तो ये थी बॉलीवुड से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। आई होप आपको ये बातें पसंद आई हो। अगर आपको ये किस्से कहानियां पसंद आई है तो बॉलीवुड कैलेंडर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट कि बॉलीवुड कैलेंडर का एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसके अंदर आप जीत सकते हैं JBL के मिनी डुएट हेडफोन। और उन हेडफोन्स को जीतने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड रिजल्ट्स विल बी अनाउंस ऑन 25 दिसंबर। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए bollywoodcalendar.com।